उटर लॉन्च थ्री लाइव कोर्सेज फॉर द थ्री इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन आर बी आई ग्रेड बी सैबी ग्रेड ए एंड नबार्ड तो तीनों के लिए लाइव कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं ओके एंड द स्केड्यूल इज ऑल्सो रिटर्न हेयर लाइक फॉर आर बी आई से डेज ओके द टाइमिंग द डेज एंड वेन द बैच विल स्टार्ट All, all of this is mentioned, and the detailed information is available on our website. Okay, or you can also call on our number double nine double nine four double to get more information about these courses. Okay, about the schedule and all. Then Sebi, this has already been launched, as you, as some of you must be aware. Those who are attending the live classes, my live classes, so we are covering the complete paper two syllabus for both phase one and phase two, right?

बट लास्ट में भी रिवीजन करते हैं हम लोग तो उसके लिए टाइम हमारे लिए ताकि हमारा एक स्केड्यूल बने एक टाइम टेबल को फॉलो कर पाए हम और अपना सिलेबस टाइम से खत्म कर ले एंड देन वी कैन गो फॉर रिविजन ओके तो लाइव क्लासेज का मैंने आपको बता दिया कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इसके बारे में तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक इज कमिटेड तो ये गलती आपको नहीं करनी है वेट नहीं करना है प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो वट एवर टाइम यू मे गिव अब आप वर्किंग एस्पिरेंट हो सकते हो यू मे बी वर्किंग इन समर्गे तो ठीक है आपको उतना टाइम शायद नहीं मिलता होगा प्रिपरेशन के लिए बट वट एवर टाइम यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर बिजी केड्यूल मे बी वन आवर मे बी वन पॉइंट फाइव आवर्स टू आवर्स मे बी डिवोट दैट टाइम फ्रॉम नाव ऑनवर्ड्स डिसिप्लिन के साथ अभी से स्टार्ट कर देंगे इनिस्टेंट मैनर दैट अलॉट आफ्टर दैट व सेकेंड कॉमन मिस्टेक हमें लगता है जब भी हम कोई नया टास्क स्टार्ट करते हैं न्यू हैबिट वेन एवर वी स्टार्ट विद सम्यू वर्क वी फील वेरी मोटिवेटेड फॉर इनिशियल वन वीक पहले वीक हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं तो वी फील की वी कैन इजिली कंटिन्यू दिस शेड्यूल

फ्रॉम देयर बिजी स्केड्यूल फ्रॉम देयर वर्किंग आवर्स जो टाइम मिलता है देन कैंडिडेट्स फील कि उसको हम अपना रिक्रिएशन में स्पेंड करें ऑलरेडी हम इतना काम करके आए ऑफिस में लेटेस्ट है रिक्रिएशन मे बी वॉचिंग सम वेब सीरीज मे बी समोर स्पोर्ट्स इफ समीपल लाइक मे बी इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी मे बी म्यूजिक मे बी डांस तो वी स्पेंड वी थिंक हम थोड़ा रिक्रिएशन में अपना टाइम स्पेंड करते हैं सो देन वी डो नॉट गेट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी तो इसीलिए स्पेशली वर्किंग कैंडिडेट्स को एक पुश चाहिए एक मोटिवेशन चाहिए देखो दोजेडली प्रिपेरिंग फॉर सेबी दे ऑल्सो रिक्वायर मोटिवेशन बट स्पेशली वर्किंग एस्पेरेंट्स को थोड़ा पुश चाहिए एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन चाहिए एंड दैट इज द पर्पज कि हमने लाइव क्लासेज स्टार्ट करी है मैंने बताया भी था लाइव क्लासेज स्टार्ट करने का पर्पज कि आपकी रेगुलर प्रोग्रेस पे भी चेक रहेगा जब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे आपकी प्रोग्रेस पूछूंगा यू विल पोस्ट योर क्वेरीज कि आपको क्या क्वेरी है कि या फिर आप रिवीजन कर रहे हो रेगुलर नहीं कर रहे हो तो लाइव क्लासेस में हम लोग ये डिस्कस करते हैं हमारा डाउट सेशन जब होता है हम डिस्कस करते हैं आपने कितना रिवाइज किया तो एक कांस्टेंट पुश मिलता है एक कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता है जब बाकी के जो कैंडिडेट्स होते हैं दे आर डूइंग रिवीजन तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी करें एक थोड़ी सी हेल्दी कॉम्पिटिशन की फीलिंग आती है हमारे अंदर ओके तो दिस इज द सेकेंड कॉमन मिस्टेक ओवर बिलीफ

पढ़ते हैं सी आई एम नॉट से मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना बिल्कुल गलत है बट वट हैूज आवर फोकस हम बहुत डायवर्स हो जाते हैं अलग अलग जगह से पढ़ते हैं उससे क्या होता है वी स्टडी द सेम टॉपिक समटाइम्स मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स है कि जिसको पढ़ते हैं क्लैरिटी नहीं आ पाती है ठीक है कम्पलीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो दैट

हम बाकी चीजें नहीं कर पाते हैं उतना टाइम नहीं मिल पाता है ओके दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू कवर ऑल द सोर्सेज वी एंड स्टडिंग ओनली अ फ्यू सोर्सेज हमने प्लान किया होता है कि दस जगह से पढ़ेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाते दैट इज वाई इफ यू फॉलो वन सोर्स द बेनिफिट्स आर दैट इट विल बी अ मोर फोकस्ड स्टडी यू विल इंप्रूव योर एफिशियंसी कम टाइम में ज्यादा पढ़ लोगे लेस वेस्टेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली मोर क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट

अगर आप आप टाइम निकाल सकते हो तो डेली रिवीजन भी हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरी लाइव क्लास अटेंड करी उसके बाद सिर्फ फाइव मिनट्स आपको स्पेंड करने हैं उसको एक बार रिवाइज करने के लिए या फिर जो कुछ भी पढ़ा पांच मिनट में उसको शॉर्ट में पांच मिनट में उसको शॉर्ट में एक नोटबुक में जॉट डाउन कर लो क्या क्या आज पढ़ा था वो तो बहुत हेल्प करता है छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करती है केस दीज आर वेरी वेरी यूजफुल दिस शॉर्ट हैबिट विच यू फॉर्म इन योर डेली रूटीन ये हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, okay? होता है डिफरेंट यू नो यूटिलिटी हर रिविजन का अपना पर्पज है डेली में आप डेली सेशन का रिवाइज कर रहे हो वीकली में आप वीकली जो पढ़ा है उसका रिवाइज कर रहे होके okay? और एक आपका रिवीजन होता है एट द सिलेबस एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद आपका एक फुल फुलज रिवीजन होता है दैट इज डिफरेंट ओके तो रिवीजन इज वेरी वेरी बेनिफिशियल ओके इसको लाइटली मत लेना एंड आप इसको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते दिस इज वेरी वेरी यूजफुल ओके ये आपको काफी हेल्प करने वाला है एंड द लास्ट मिस्टेक विच आई फील इज कमिटेड बाई कैंडिडेट इज इग्नोरेंस अबाउट से भी हम सिर्फ सिलेबस पढ़ लेते हैं अपना हमको पता ही नहीं है सेबी क्या है उसमें कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वरियस offices? Offices कहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है सेबी का सेबी की latest news, latest stock market में क्या हो रहा है सेबी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या आ रहे हैं कोई नया इनिशिएटिव लिया है कोई नई स्कीम लॉन्च करी है मे बी वट इज द वर्किंग ऑफ सेबी वर्क कल्चर क्या है ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई थिंक यू मस्ट है बुक द सीक्रेट ओके

सिलेक्ट हो जाएंगे यूपीएससी में देन विल गो देयर तो एक विजुअलाइजेशन जो होती है ना कि आप अभी से फील करना स्टार्ट कर देते हो तो कि यस आई एम एन ऑफिसर आई एम ए सेबी ऑफिसर मैं बन ही जाऊंगा ये जो कॉन्फिडेंस मिलता है ये जो मोटिवेशन मिलता है इन चीजों से भी मिलता है आपको कि जब आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हो तो इसमें आई एम नॉट से डिवोट टू मच टाइम बहुत टाइम इस चीज में नहीं लगाना है बिकॉज सिलेबस का पार्ट नहीं है ऑब्वियसली बट कभी कभार आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है लेकिन आप सपोज एक आपके सबकॉन्शियस में ये चलता रहता है कि हाँ सेबी के बारे में तो वो एक थोड़ा सा हमको हेल्प करता है ठीक है तो वर वर सम ऑफ द द मिस्टेक्स आई थिंक कॉमन मिस्टेक्स इसलिए मैंने सभी के साथ डिस्कस किया है सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक लाइक दिस सेशन किया पसंद आया है तो लाइक like कर देंगे सब्सक्राइब आर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद प्रिपेयरिंग फॉर सेबी एप्लीकेशन

all the very best friends take care goodbye and have a nice day